फर्श को बढ़िया से साफ किया जाता है। ये रंगोली बनाने वाला प्लेट है जो अनेक प्रकार का मिलता है, कई तरह का मिलेगा। ये बाजार का है, ये चाय छानने वाली छन्नी है। मार्केट में कई तरह का ये रंगोली कलर मिलता है, डिब्बी में भी आता है, पैकेट में मिलता है, या इसको आप आसानी से घर पर भी बना सकते हैं। टाइम के अभाव में हम लोग मार्केट से लाते हैं। अलग अलग कलर को अलग अलग बर्तन में पहले रख लेते हैं कि बनाने में सुविधा हो। आप क्लाइंट के लिए कुछ रंगीन चौक रखते हैं, ये रहा हमारा रंगोली प्लेट। अच्छा, इसको सबसे पहले जहाँ कहीं भी बनाना हो इसको बीच में रख देते हैं। उसके बाद कोई भी एक कलर, सफेद कलर निकालिए जिससे कि आउटलाइन बन गया आता है, उसको इसके ऊपर गिराते हैं। ये जो लाइन सफेद सफेद दिख रहा है कई कलर के आते हैं, उस पर गिरा देते हैं। उसके बाद दूसरा कलर लेते हैं तो इसमें डालते हैं छन्नी में और उसको धीरे धीरे छानते हैं। ये दूसरे भाग में जाएगा। एक भाग तो यहाँ बना हुआ है, इसमें कई पार्ट रहता है, इसको आराम से उठाते हैं, इसे झड़ता है नीचे से, इसको थोड़ा थोड़ा टैप करते हैं, इसको ठोकते हैं, आराम से इसका डिजाइन बन जाता है। उसके बाद इसको उठा के अलग कर देते हैं। फिर ये कलर है, इसको गोल गोल करके गिराते हैं, इसका ट्यूब भी आता है, ऐसे ऐसा करके जैसा आप मन, अपने मन के अनुसार इसको आप डाल सकते हैं। मतलब मेन कमाल इसका है, नहीं अपने हाथ का है। अच्छा। ये तो आराम के लिए लाए हैं, इससे भी बढ़िया बढ़िया डिजाइन हम लोग हाथ से बना सकते हैं, बनता भी। अच्छा, ये जो है इसको हम मैगी खाने वाला जो चम्मच होता है, कलम होता है, पेंसिल होता है, कांटा होता है, किसी चीज से इस, ये जो लाइनिंग है ना पतली पतली सी, इसको हम बना लेते हैं। इसका कई डिजाइन बनता है, इसको हम उंगली से भी बना सकते हैं। ये जो है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देखिए ये इसको दाबते जाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा फैलता जाता है। इसके ऊपर हम चाहें तो कई कलर इसमें भर सकते हैं। दूसरा डिजाइन ये हमारा हुआ। इसमें मुख्य रूप से कितने कलर लगे हुए हैं? जितना आप लगा सकते हैं। ये जो एक बना से हुआ तो है, नहीं बनेगा, एक से बनाइएगा तो सिर्फ आउटलाइन आपका दिखेगा। इसमें जैसे एक तो लाल हो गया, एक तो सफेद हो गया, पीला है, बैंगनी है, समझिए सात कलर। मतलब मुख्यतः सात कलर इसमें लगे हैं। चलिए अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा है, मैं शिक्षक नगर कंदवाड़ा की रहने वाली हूँ।